रांची से खबर है, आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी ने समन जारी किया। ईडी ने छवि रंजन को 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। बताया जा रहा है कि छवि रंजन ने से जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले को लेकर ईडी ने 3 राज्यों के ठिकानों यानी कि 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन के ठिकानों के साथ साथ कुछ अंचल अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड हुई थी, जिसके बाद ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इसी पूरे मामले पर ईडी छवि रंजन से पूछताछ कर सकती है। राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त और मौजूदा कल्याण विभाग के सचिव छवि रंजन को ईडी का समन मिला है। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को उन्हें रांची के क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है और बीते 13 अप्रैल की बात करें तो लगभग 3 राज्यों के 21 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और साथ ही साथ बड़गाई सीओ जो मनोज कुमार हैं, सीआई जो भानु प्रताप है समेत जो है अन्य 6 जमीन दलालों को कह सकते हैं गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद आज 3रा दिन है जो 7 आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। इसी बीच कहीं ना कहीं छवि रंजन जो है उनको समन मिलता है और 21 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हालांकि ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी जल्द ही छवि रंजन को बुला सकती है। इसी बीच ये समन जारी हो चुका है, उन्हें 21 अप्रैल को इस कार्यालय आना पड़ेगा और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सेना समेत अन्य जो भूमि घोटाला है उस मामले में छवि रंजन कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र है और कई तमाम चीज़ें जो हैं बात कर निकल के सामने आ रही है। बीते दिनों में ये भी देखा गया कि कई लोग जो हैं ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और जमीन संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज कराते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छवि रंजन इन तमाम सवाल हैं उसका क्या जवाब देते हैं। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ मैं आयुष जी मीडिया रांची।